सीटीईटी की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देते दो मुन्ना भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईडी चेक करते समय फ्लाइंग स्क्वाड ने इन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में कोतवाली नगर में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। थाना कैंट स्थित शहादतगंज कोतवाली में सीटीईटी की परीक्षा के दौरान उपस्थित पंजिका में फर्जीवाड़ा करके कृष्णकांत विश्वकर्मा की जगह चंद्रशेखर पांडे परीक्षा दे रहे थे। दोनों अम्बेडकर नगर जनपद के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं थाना महाराजगंज के भगवान बख्श सिंह इंटर कॉलेज पूरा बाजार में भी इस तरह के मामले प्रकाश में आने की जानकारी मिल रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ब्रिजेश नाम के सलवर को गिरफ्तार किया गया है, जो महेश संभल की जगह परीक्षा दे रहा था। पीएलएल न्यूज के लिए अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। हमें सीटेट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जो कि 2019 वर्ष का है, और इसी तहत हम लोगों ने मतलब हर जगह फोर्स अलर्ट रखा था, चेकिंग हो रही थी। तो इस तरह की दो बातें प्रकाश में आई, एक पूरा बाजार में प्रकाश में आई, जहां पर एक ब्रिजेश नाम का व्यक्ति किसी महेश के नाम के स्थान पर वो पेपर दे रहा था। और इस सेम हमारे यहाँ कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैम्ब्रियन स्कूल में एक चंद्रशेखर पांडे के स्थान पर कृष्णकांत विश्वकर्मा पेपर दे रहा था। तो कच्छ निरीक्षकों ने इस चीज़ को अच्छे से पकड़ा और तुरंत प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन उसमें अलर्ट होकर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सही पाया कि ये दोनों दोषी हैं और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। रहने वाले कहाँ के हैं और क्या मतलब इनका कब से इसे जुड़े हुए इसमें? जो कैम्ब्रियन स्कूल में पकड़ा गया है, ये दोनों ही लड़के पकड़े गए हैं। जो जिसके स्थान पर दे रहा था एग्ज़ाम वो भी पकड़ा गया और जो अपनी जगह दिलवा रहा था वो भी पकड़ा गया। तो ये दोनों ही अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं और जो पूरा बाजार में पकड़ा गया वो संभल जिले का लड़का था, जो अपने स्थान पर बहराइच जिले के लड़के द्वारा दिलवा रहा था पेपर। तो ये सारी चीज़ें प्रकाश में आई हैं, अभी इसमें गहन पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जांच करके इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।